रही है उसका रुख कर लेते हैं। भड़काऊ भाषण के आरोप को लेकर विवादों में आए केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के मामले में नया मोड़ आ गया है। आगरा में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसमें रामशंकर कठेरिया का नाम नहीं है। पुलिस ने पुदिनिका शर्मा, अशोक लावनिया और प्रशांत चौधरी को आरोपी बनाया है। पुलिस ने कहा है कि रामशंकर कठेरिया और फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल भी वहां पर मौजूद थे। आगरा में लोहा मंडी थाने में जो 49/16 मुकदमा कायम है, धारा 295-153, ये एसआई अनिल कुमार है लोहा मंडी के, जो बीट सब इंस्पेक्टर है, इनके द्वारा कायम कराया गया है। और वहां पे रामलीला मैदान में जो शोक सभा हुई थी 28 तारीख को 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में लगभग, वहां पे 3 लोग मेन थे जिन्होंने वहां पे स्पीच दी थी इस तरीके की, कुंदनिका शर्मा, अशोक लावण्या और प्रशांत चौधरी, इनके विरुद्ध दर्ज कराई गई है। और बाकी लोग वहां पे मौजूद बताए गए थे, और मौजूदगी में वहां पे श्री रमाशंकर कठेरिया जी, श्री बाबूलाल और ये 2 लोग उसमें जो है नाम है इसमें। इस बीच आज कठेरिया ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। कठेरिया ने कहा कि उन्होंने किसी से बदला लेने की बात नहीं कही थी। रामशंकर कठेरिया के इन्हीं शब्दों पर देश में बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने ये शब्द उस वक्त कहे जब वो आगरा के बीएसपी नेता अरुण माहौर को श्रद्धांजलि देने गए थे। इंसाफ मांगते मांगते वो इतना जोश में आ गए कि बदला लेने की बात करने लगे, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो कठेरिया ने क्या सफाई दी वो सुनिए। मैंने किसी समुदाय का न हिंदू न मुसलमान ऐसा कोई बोला नहीं। जो आगरा में एक दलित की हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, मार्केट में हुई, नौजवान की हत्या हुई, उसकी शोक सभा में जरूर कहा कि हत्यारों को सजा मिले, उनको फांसे। जिस तरह से आरोप लगे, क्या आपको लगता नहीं गंभीर? नहीं, पूरी तरह असत्य आरोप है, और उसके बाद मेरे जो मैंने बोला उसकी सीडी है। हैरानी की बात यह है कि कठेरिया के बयान पर टिप्पणी करते करते बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। जब सरेआम हिंदू समाज के ऊपर गोली से हत्या की जा रही है, दिन दहाड़े गोली हत्या की जा रही है, उसके बाद ये सब समाज इकट्ठा नहीं होगा तो आगे समाज कहाँ जाएगा? एक बात बताइए, बदला नहीं लेंगे तो क्या आरती उतारेंगे ऐसे लोगों की? अगर हिंदू समाज इसी के लिए आरती उतारने के लिए बनाया है और दूसरे समाज के लोग गोली मार के हत्या करेंगे तो ये कहाँ का कानून है? कठेरिया और उनके समर्थकों के बयान को लेकर चौतरफा बवाल मच गया। दिल्ली में जंतर मंतर की ये तस्वीरें देखी। सिविल सोसाइटी के इस विरोध प्रदर्शन में ये महिला जो पोस्टर लेकर बैठी है उसमें राज्य मंत्री कठेरिया को सीधे सीधे चुनौती दी गई।